कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया. और दिस इज सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सीबीडी में, विच इज लाइक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे सारी कंपनीज के बिल्डिंग्स हैं, आईटी कंपनीज है, सारा मतलब मेनली बिजनेस एरिया है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे मेलबर्न का. तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी खाने की भी जगह, इट्स अ फूड हब ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे 3500 कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, मतलब इंडियन से लेके थाईलैंड से लेके जैपनीज, मतलब हर कुजीन आपको मिल जाएगा. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही डिस्क और पब्स भी हैं जो कि हम लोग नहीं कभी भी विजिट करते क्योंकि वी हैव अ बेबी और वैसे भी हम लोग नहीं जाते, पर हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब फ्रॉम वेजिटेबल टू शॉपिंग. DFO है, मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. क्राउन है, तो आज हम लोग उस एरिया में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाते हैं. मुझे वो एरिया बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इतनी भीड़ है, बहुत ही हैपनिंग है और सैटरडे को तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे ही परफॉर्म करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा एरिया है. तो चलिए हमारे साथ, अभी हम लोग हमारे ट्रैम का वेट करें, कुछ 11 मिनट्स में है. टाइम पास वेटिंग फॉर ट्रैम. कॉलेज स्ट्रीट का ट्रैम स्टेशन है और यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, देखो आप हिस्टोरिक बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं. बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे और नई बिल्डिंग्स भी हैं, तो कॉम्बिनेशन है नई और पुरानी का. बहुत ही ज्यादा बड़ी है. मैंने इंडिया में बहुत ज्यादा चर्च देखे हैं पर इतनी ज्यादा मतलब बड़ी और विक्टोरियन आर्ट के साथ मैंने नहीं देखी है. फ्रेंड्स, सिंस वी आर शूटिंग हियर तो फ्री नहीं है, $5 देने पड़ते हैं. वी पेड एंड हैव गॉट अ टिकट. सो दिस इज द टिकट. दिस इज द टिकट व्हिच यू गेट एंड यू कैन शूट इनसाइड. ये डोनेशन का बना हुआ है यहां पे. यू कैन गिव डोनेशन आल्सो. इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब विक्टोरियन आर्ट हो रखा था, बहुत ही नकाशी वुड पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और इतना ज़्यादा पीसफुल था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग सीबीडी के सेंटर में खड़े हैं. यहाँ पे बाहर इतना ज़्यादा शोर था, म्यूज़िक, ट्रैफिक, एवरीथिंग. इवनिंग प्रेयर्स भी रहती हैं क्योंकि 5 बजे होती है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं होती बिकॉज यहाँ पे बहुत साइलेंट एंड वेरी पीसफुल. बहुत ही अच्छा लग रहा है बट आरू तो और यहाँ पे एक फैमिली एरिया भी था जहाँ पे आप अगर बच्चे के साथ आए तो उसको खिला सकते हैं, पेंटिंग के लिए बना रखा था, लिखने के लिए कुछ भी, खेलने के लिए, ताकि बच्चा बोर ना होए और शांत रहे. और ये एक स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे फादर खड़े होके प्रेयर बोलते हैं या फिर कोई अनाउंसमेंट करना होता है तो वो यहाँ पे करते हैं. फादर
जो बुक है इसमें आप अपनी प्रेयर लिख सकते हैं, तो जो और भी लोग अगर आपकी प्रेयर देखें तो वो भी आपके लिए प्रे कर सकते हैं। कोई लोग अपनी किसी बीमारी के लिए प्रे कर रहा है, कोई यहाँ पे किसी का किसी की डेथ हुई है तो उसके लिए लिख रखा था कि आई प्रे फॉर हिम। और यहाँ पे एक बैप्टिज्म का ये कॉर्नर बना हुआ था जो कि ये बैप्टिज्म वेल है। तो इस चर्च में आके हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे अभी भी बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं, मैरिजेस होती हैं, फ्यूनरल्स होते हैं, बैप्टिज्म होती है, तो वो भी यहाँ पे होता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे एक वे है, और वो तभी बनाते जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तो कीप द पीपल सो प्रोटेक्टेड कि एक भी कचरा बाहर नहीं गिरना चाहिए, रोड पे नहीं गिरना चाहिए, तो इसके लिए एकदम पूरा प्रोटेक्ट करके यहाँ पे बना देते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसा वे यहाँ पे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ग्रेफिटी आर्ट है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और मेरे पीछे एक पूरी लेन है जो कि हॉजरी लेन है, और यहाँ पे सब लोगों ने ग्रेफिटी आर्ट कर रखी है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, लोग फोटोज़ ले रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं। और इट्स रियली अट्रैक्टिव, लोग ऐसे कुछ कुछ पेंट करते रहते हैं और अपना आर्टिस्टिक को निकालते हैं एंड इट्स नाइस। इस स्ट्रीट की वाइब तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के। बहुत सारे मैसेजेस भी लोगों ने डाल रखे थे, मतलब अपनी पेंटिंग के थ्रू लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की थी, जैसे एयर पॉल्यूशन, और बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी लग रहा था कि ये मैसेज देने की कोशिश कर रखी है। तो जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो हर जगह अपनी आर्ट प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अपनी आर्ट वॉल पर करते हैं, और बहुत लोग देखने भी आते हैं। तो इट्स अ मैसेज ऑल्सो,